नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरत जिस भगवती की पड़ती है वो है लक्ष्मी क्योंकि लक्ष्मी के बिना कुछ होता ही नहीं है अपने एक पिछले वीडियो में मैंने आपको एक लक्ष्मी का मंत्र दिया था और मैंने बताया था कि बिना विष्णु के लक्ष्मी की साधना नहीं हो सकती जहां विष्णु रहेंगे वहां पर पैर दबाती हुई लक्ष्मी रहती ही रहती है अच्छा लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है बहुत दिन कहीं टिकती नहीं है तो इनको टिकाना बड़ा मुश्किल है किसी के भी घर पर एक कहानी है हम लोगों के बिहार में कि सिर्फ एक ब्राह्मण ही था जिसने लक्ष्मी को रोकने की का प्रयत्न किया उस ब्राह्मण ने कहा जाता है कि लक्ष्मी का पैर तोड़ दिया था तो लक्ष्मी लंगड़ी हुई और तब से लक्ष्मी लंगड़ी ही है लेकिन उसी के साथ कहते हैं कि ब्राह्मण इसी कारण से हमेशा से गरीब रहा तो आज मैं आपको लक्ष्मी का साबर मंत्र दूंगा ठीक है ये जो साबर मंत्र है इसका दो बहुत ही बहुत मतलब दो बहुत प्रभावशाली इसका आउटकम ये आएगा जब आप ये मंत्र करोगे एक तो ये है कि आपका जो भी रुका हुआ काम है जैसे आप लोग बोलते हैं कि होते होते काम रह जा रहा है या फिर एक काम एकदम हो चुका है नेक पर है लेकिन फलीभूत नहीं हो रहा पैसा बिल्कुल आने पे है लेकिन पैसे आ नहीं रहे ऐसे मंद ऐसे ऐसा जो भी आपका रुका हुआ काम है वो इस मंत्र को जैसे आप सिद्ध कर लोगे आपका पूरा हो जाएगा दूसरा कि हमेशा निरंतर आपके पास लक्ष्मी का वास रहेगा लक्ष्मी की कृपा रहेगी और कभी आपको लक्ष्मी धन की कमी नहीं होगी ठीक है इसका जो साधना है उसके लिए बहुत अच्छा दिन है अभी होली आने वाला होली से आप शुरू करना ठीक है और टोटल में इसका सवा लाख जाप करना है देखिए कुछ कुछ एक साबर मंत्र होते हैं खास करके जो भगवती के होते हैं जिसमें सवा लाख वाला फंडा चलता है तो लक्ष्मी की का तस्वीर लेना ले लेना वो तो अनिवार्य है उसके बाद धूप देना दीप देना नवेद देना पूजा करना और उसके बाद जाप शुरू करना सवा लाख जाप कमलगट्टे का माला प्रयोग करना ठीक है कमलगट्टे का वो माला हमेशा अपने तिजोरी में रखना मंत्र आपको बताता हूं मंत्र है विष्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती के प्रकट हुई कामाक्षा भगवती आदि शक्ति युगल मूर्ति अपार दोनों की प्रीति अमर जाने संसार दुहाई कामाक्षा की आय बढ़ा वै घटा दया कर मई ओम नमः विष्णु प्रियाय ओम नमः शिव प्रियाय ओम नमः कामाक्षाए रिम रिम श्रीम श्रीम फट स्वाहा फिर से एक बार मंत्र सुनिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई आदि शक्ति युगल मूर्ति धन दोनों की प्रीति अमर जाने संसार दुहाई कामाक्षा की आय बढ़ा वै घटा दया कर मई ओम नमा विष्णु प्रियाय ओम नमा शिव प्रियाय ओम नमा रिम रिम श्रीम श्रीम फट स्वाहा तीसरी बार सुनिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई कामाक्षा भगवती शक्ति युगल मूर्ति दोनों की प्रीति अमर जाने संसार दुआई कामाक्षा की आय बढ़ा वे घटा दया कर माय ओम नमः विष्णु प्रियाय ओम नमः शिव प्रियाय ओम नमः कामाक्षाय रिम रिम श्रीम श्रीम फट स्वाहा एक बार ये मंत्र आपको याद हो जाएगा तो एक मंत्र बोलने में करीब एक मिनट लगता है और आपको टोटल इसका सवा लाख जाप करना है कोशिश करना है कि 45 दिन में सवा लाख जाप पूरा हो जाए देखिए 21 दिन का टारगेट होना चाहिए जब भी कोई आपको बोले कि सवा लाख जाप करना है तो टारगेट रखे 21 दिन का ठीक है लेकिन क्योंकि मैक्सिमम लोग सांसारिक होते हैं तो सुबह शाम मिला करके आ, आप जो है इसका सवा लाख जाप करें सवा लाख जाप करने से आपको इसका लाभ मिलने लगेगा बता देखिए कोई भी मंत्र जब आप सिद्ध करना शुरू करते हैं तो सावा लाख की जरूरत नहीं पड़ती बीस से इक्कीस हज़ार जाते जाते उसका आपको असर दिखने लगता है इस इस मंत्र को जैसे मैंने पहले भी बोला है पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए आपको ओ, कम से कम चार लाख इसका जाप करना चाहिए एक क्वार्टर में और पूरे जीवन में नाइन्टी सिक्स लाख आपको जाप करना होगा क्योंकि साबर मंत्र एक मंत्र के रूप में लिया जाता है ना कि सिलेबाई के रूप में जैसे कि संस्कृत मंत्रों में होता है ठीक है लक्ष्मी बहुत चंचल होती है ठीक है आप जितना इसके बारे में सोचेंगे उतना ही ये आपके पास नहीं आएगी इनका जो स्वभाव है ठीक सरस्वती के विपरीत है आज के लिए इतना ही मुझसे बात करना है तो आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए और उस ऐप में रुद्रनाथ सर्च करिए और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कुछ अगर यदा कदा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप सभी को आज के लिए अलग आदेश लक्ष्मी आप लोगों पे कृपा बनाए रखे आदेश आदेश